अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर तालुक्यातील फत्तेपूर येथे ग्रुप ग्रामपंचायत मार्फत झालेल्या विकास कामांचा फज्जा उडालेला असून आतापर्यंत आपण फत्तेपूरमधील 1, 2 आणि 3 नंबरच्या वॉर्डमधील परिस्थिती पाहिली। निकृष्ट दर्जाची विकास कामे आणि स्वच्छतेचा अभाव असल्यामुळे नागरिक आक्रमक होऊन आपल्या प्रतिक्रिया मांडत आहेत। आज आपण फत्तेपूर गावामधील वॉर्ड क्रमांक 4 मधील समस्या पाहणार आहोत। 2 महिने हो गए यहाँ गटर खोदके झाले, हमको चढ़ने उतरने को बहुत परेशानी हो रही और 50 बार उनको बोल दिया तो वो नहीं आ रहे यहाँ रस्ते का काम करते। बोलते कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, बस। तो जो बूढ़े आदमी है वो कैसे चढ़ते हैं फिर? वो आने जाने का काम ही नहीं उनको। दो तीन बार गिर गए लोग यहाँ, हमारी बुबू 2-3 बार गिर गए। तो हाथ पकड़ के चढ़ाना पड़ता उतारना पड़ता। तो ग्राम पंचायत को इस बारे में बताया क्या यहाँ पे चढ़ने की दिक्कत है? 50 बार बोले सरपंच को बोले हमने। अच्छा, फिर क्या बोले सरपंच? हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, यही कर रहे बस। वार्ड नंबर 4, ये जो गली अरुण दादा फेंके दवाखाना है, जो दादा के दवाखाना है, ये गली में नीचे अतिक्रम काटने को कम ज़्यादा 12 से 15 महीने हो गए। लेकिन अतिक्रम बोले तो 1-1.5 महीने निकल गया था बोले थे तो, लेकिन अभी रोड बोले तो कब से 3 से 4 बार बोल दी ग्राम पंचायत में जाके, पर रोड कुछ बन रहा नहीं। अभी हम लोग यहाँ पे ये कई गटर है, ये दाबा बोले तो एकदम नीचे हो जाए भाई। हो ये जाम हुई थी नला है तो ये सब पानी पर ऊपर से बैठा। वो जो गली, वो दाबा है, वो दाबा भी जाम हो जाता, उसके रोड रोड के ऊपर से पानी बैठा। आप लोग नमाज को जाते हैं दोपहर में, समझ लो तो अभी ये सब रोड जाम हो जाते हैं, सब पाँव भरते कैसा है लोग। अब नमाज को जा रहे हैं, अल्लाह के घर में जा रहे थे, फिर नहा धो के पॉश होके जाते हैं। नया रोड से आओ तो सब गंदगी, सब पाँव को लगती, कोई मतलब नहीं आ रहा ना। तो आपने ग्राम पंचायत को कितनी बार बताया इसके बारे में? 3 से 4 बार बोल दिया मैंने सरपंच दादा को। अच्छा, तो कर्मचारी आते हैं क्या, सफाई करने वाले कर्मचारी आते हैं क्या आपको? 15-1 दिन पीछे तो गटर की साफ सफाई करने वाले आए थे अल्हम्दुलिल्लाह, पर बाकी रोड के बारे में कोई डिस्कस नहीं, कोई वो नहीं, कोई बोले रोड मंजूर नहीं, बोले ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बोले सरपंच का अब क्या करें। ये गली से ढाबा है जो, इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, इसलिए पानी रुक जाता है, कचरा इसमें अटक जाता है, कचरा अटकने से आने जाने वाले प्रॉब्लम होती और पानी ऊपर से नाली का बहता। और जो मस्जिद के आने, इधर की गली से जो आने जाने वाले लेडीज़ को भी आने जाने को तकलीफ़ होती, और जो नमाज के लिए जो लोग जाते उनको भी तकलीफ़ इससे होती। और ये जो ब्लॉक हो चुका है और इसके बारे में इसके ग्राम पंचायत को सख्त सख्त ज़रूरत है कि इसके काम जल्दी जल्दी शुरू किया जाए और रोड का भी काम शुरू किया जाए, कि बरसात में रोड है ना ख़राब हो जाता है और गारा होने लगता है और गाड़ी से लोग गिरने लगते हैं। और आगे का जो पाइप है वहाँ का सामने का अपने टाकरी रोड फतेहपुर समोर का, वहाँ पर वो रोड भी वहाँ से ऊपर से पानी बहने लगता है और उससे तकलीफ ये है कि भाई पाइप एक ही साइड से लगाया है, दूसरी साइड से पाइप नहीं है, तो वहाँ पर आने जाने वाले पाइप के अंदर गिरने को भी करते कुछ लोग, कुछ बच्चे भी उसमें पाइप के पास गिर जाते क्यों भाई वहाँ सही से पाइप डाली नहीं है इसलिए, और वो ब्लॉक होकर पानी ऊपर से बहने लगता है। और जो गटर काटने वाले भी गटर काटने को नहीं आते, वहाँ पर ब्लॉक में पानी भी कचरा फंस जाता और इसके वजह से हमको बहुत तकलीफ होती, हमारे बच्चे बीमार रहते, उससे बीमारियाँ पैदा होती और जरासीम पैदा होते और पानी में खराबी पैदा होती, क्योंकि नल जो पाइप है वहाँ से ही है पानी पीने का, पानी पीने का जो पाइप है ना वहाँ से ही है नाली के पास से, नाली के जरासीम पाइप में घुस के वो सबके लिए पानी यूज़ होता है, पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हमको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसके बारे में ग्राम पंचायत से सख्त से सख्त ज़रूरत है कि हमको इस पर एक्शन लिया जाए और रोड के भी एक्शन लिया जाए कि रोड जल्दी जल्दी बनना हो जाए, कि 15 से 16 महीने हो गए कि रोड अभी तक बना नहीं, ऐसा पूरी गली के पूरे गांव में रोड बन चुके हैं पर इस गली का रोड अभी तक बना नहीं, इसलिए हम ग्राम पंचायत से दरख्वास्त निवेदन करते हैं कि इसका जल्दी जल्द कार्रवाई की जाए और इसके रोड बनाने की हमसे अपील है। या बातमी तिथेच थांबूया। ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा, तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा। नमस्कार।